ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान लेने के बाद स्वयं को सरल चित्त बना देना, स्वयं को बहुत हल्का कर देना, डबल लाइट बना देना, यही ज्ञान स्वरूप आत्मा का एक मुख्य लक्षण है। अगर चित्त में चिंताएं ज्यादा हैं, अगर जिम्मेदारियों का दबाव और बोझ ज्यादा है, तो समझ लेना चाहिए कि हम निमित्त भाव में नहीं रहते हैं। संगम युग पर हमें निमित्त भाव दिया है स्वयं भगवान ने, और उसने स्वयं कहा है जिम्मेदार मैं हूँ, तुम निमित्त हो जाओ। साकार में बाबा कहते थे, बाबा बच्चों को सेवा की जिम्मेदारी देते हैं, लेकिन जो बच्चा अपनी जिम्मेदारी बाबा को अर्पित करके निमित्त भाव से सेवा करता है, उसके सारी कार्य बाबा सफल कर देते हैं। तो लौकिक कार्यों में भी हम बाबा को अपना साथी बना लें और जिम्मेदारी के सारे बोझ उसे देकर हल्के होकर निमित्त भाव से कार्य करें। मैं निमित्त हूँ और करण करावन हार तो बाबा है मेरे साथ। इस स्मृति में रहकर यदि हम बहुत हल्के रहेंगे और ये सुंदर संकल्प करेंगे कि जब बाबा ही करा रहा है तो सब कुछ सुंदर होना ही है, भला भगवान कोई कार्य कराए और वो कल्याणकारी ना हो, वो सफल ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो इन संकल्पों के साथ जब हमारा चित्त शांत होगा, हम हल्के होंगे, तो हमारी आंतरिक शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, और ये आंतरिक शक्तियाँ भी हमारे कार्यों को सफल सहज संपन्न करने में बहुत मदद करती हैं। तो आइए हम निमित्त होकर डबल लाइट बन जाएं, मन के सारे बोझ बाबा को अर्पित कर दें। ये समर्पण भाव बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है, ये सबसे नहीं होता है, क्योंकि मेरा मैं ये आत्मा में बहुत लंबे काल से समा गए हैं। शुरू किया था, मेरी जिम्मेदारी है, मेरे कर्तव्य हैं, मुझे वे पूर्ण अवश्य करने हैं, लेकिन ये कर्तव्य परायणता बदल गई बोझ में, जिम्मेदारी एक दबाव बनाने लगी। हमें हल्के होना है, अपनी शक्तियों में विश्वास करके और समर्पण भाव अपना कर, और कौन मेरा साथी है। और चौथी बात, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, दामा मेरे लिए है ही कल्याणकारी, बहुत सुखद, मुझे कदम कदम पर सफलता मिलेगी ही। इस आत्मविश्वास के साथ निमित्त भाव से अपने को लाइट करते चलें, तो जहाँ हम लाइट होते हैं, हमें बहुत माइट आने लगती है, हमारी पावर बढ़ने लगती है। और जहाँ लाइट और माइट दोनों हो, ज्ञान की लाइट भी हो, हल्केपन की लाइट भी हो, और जहाँ माइट भी हो, शक्तियाँ भी हो, वहाँ भला कोई कार्य कैसे असफल हो सकता है। हम किसी मार्ग पे चल रहे हों, लाइट ही लाइट हो, हेलोजिन लाइट लगी हुई हो दूर दूर तक, हमें ज्ञान भी पूरा हो मार्ग का, और हम शक्तिशाली भी हो, हमारे पास वाहन भी अच्छा हो, या हम स्वयं ही शक्तिशाली हो, तो मंजिल तो हमें मिलेगी ही। तो चलिए हम सफलता के मार्ग पर बिल्कुल हल्के फरिश्ते बनकर इस जग का कल्याण करें। ज्ञानी और जो दूसरे लोग हैं, उनमें अंतर ही ये है कि ज्ञानी सदा हल्के रहते हैं, खुशी खुशी से अपने कार्यों का वहन करते हैं, और जिनके पास ज्ञान नहीं है, वो कदम कदम पर भारीपन का अनुभव करते हैं, संबंधों में भी भारीपन, बातचीत करने में भी भारीपन, कर्तव्य निभाने में भी भारीपन, और ये भारीपन उनके कदमों को रोक देता है, धीमा कर देता है। तो आज सारा दिन हम निमित्त भाव रखते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ बाबा को देते हुए, मैं डबल लाइट हूँ, आत्मा भी लाइट,
और ये देह भी लाइट का है, इस गुड फीलिंग में रहते हुए मैं फरिश्ता हूँ, इसका अभ्यास करेंगे, अपने को फरिश्ते स्वरूप में देखेंगे और ऊपर से बाबा की पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं, ये अभ्यास करते रहेंगे। ओम शांति।